जितने भी सैनिक हैं उनको भी उनकी आंखों में उसकी सौंदर्य को देखकर ऐसी 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 मुग्धता आ गई कि उनकी आंखों में भी पर्दा मानो आ गया। और भगवती ने लज्जा पूर्ण चितवंत से समस्त राजाओं को जब निहारा है तो सब मूर्छित हो गए और तुरंत भगवान ब्रजेश रत्न द्वारिकाधीश सामने से आ रहे हैं, मानो की पूरी पूरी उतनी चमक कि भगवान की लीला ही नहीं, भगवान का चमक क्या नहीं चल रहा है, चकाचौल भगवान का नहीं चल रहा है, वो हमारी माता का चल रहा है, रुक्मिणी माँ का ऐसा तेज। उसको देखकर भगवान ने बहुत मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेम से उनके हाथ को पकड़ा है और तुरंत माला हमारी माता ने उनके गले में डाल दिया है और रुक्मिणी जी को अपने गोद में उठा लिया है और गोद में उठाकर रथ पर चढ़ा लिया है और जैसे श्रृगालों के मध्य सिंह के समान अपना भाग लेकर भगवान नरसिंह की तरह उन्होंने अद्भुत रूप दिखाया और तुरंत चल दिए और सारे के सारे लोग हतप्रभ हो गए। अरे कौन गया कौन आया किसी को पता ही नहीं चला और भगवान बड़े त्वरित गति से भगवती माँ रुक्मिणी को लेकर चले गए। तब तक तो शिशुपाल दौड़ा आया, अरे भाग गए भाग गया लेकर चोर, भाग गया लेकर चोर, भाग गया। पुण्डित नरेश तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी पुत्री का हरण हो गया, तुम देख रहे हो। उधर से जरासंध ने भी घेरना शुरू किया, तब तक तो हमारे बलदाऊ भैया भी आ गए। बोले बच्चा एक के साथ एक नहीं, तुम लोग अनेक हो, तुरंत भारी युद्ध हुआ है। भगवान ने पहले रुक्मी को परास्त किया, रुक्मी को पकड़ के बोला कि सारी खुदाई एक तरफ लेकिन जरूर भाई एक तरफ। भगवान ने पकड़ा है और पकड़ के मारने के लिए उद्धृत कर लिए कि मार दूंगा। तब तक बलराम ने कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारा कुछ भी हो तो तुम्हारा अब संबंधी हो गया है, तुम्हारा साला है। तो भगवान ने बोला कि मारूंगा नहीं लेकिन इसका स्वरूप बना दूं। तो पांच उसके केस बड़े सुंदर थे, रुक्मी के केस सुंदर पांच जगह से उस भगवान ने काट दिए, उनका मुंडन करके पांच जगह से चुंडी बना दी रुक्मी का। फिर भगवान के बड़े भाई बीच बचाव करते हुए जरासंध शिशुपाल तो भगवान के प्रहार से भाग चुके थे। भगवान के बड़े भाई बलराम जी ने कहा, प्रणाम किया है, अब बुरा लगा रुक्मिणी जी को कि हमारे भाई के साथ ऐसा हमारे मधुसूदन व्यवहार कर रहे हैं। भगवान के इस लीला को और रुक्मिणी जी के इस नेत्र के द्वारा जो उलाहना था हमारे बलराम समझ गए थे। बलदाऊ जी ने कहा कि तुरंत रुक्मिणी को प्रणाम किया है, बलदाऊ सबसे बड़े हैं कृष्ण से बड़े हैं, रुक्मिणी रुक्मी को प्रणाम किया है, रुक्मिणी को नहीं रुक्मी को प्रणाम किया है। बोला कि भैया जो गलती हो गई क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग विवाह यहाँ तो नहीं होने देंगे, अब द्वारिका में आइएगा, द्वारिका में सुसंपन्न विवाहों का मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, क्योंकि इस समय आपका विदर्भ नगरी रण क्षेत्र बन चुका है, रण क्षेत्र में भगवान के सुंदर विवाह का प्रकल्प नहीं होगा। भगवान ने पहला विवाह राक्षस विवाह अपने ही नगर द्वारिका में ही किया है। इस नगर में भगवान ने बड़ी सुंदर विवाह संपन्न कराया है, सोल्लास संपन्न हुआ है और उसके बाद भगवान अपने नित्य सिद्धा नित्य आराधा माँ रुक्मिणी के साथ वहां निवास कर रहे हैं। इस छवि को, इस विवाह की छवि को हम लोग आज अपने हृदय में रखें। कुछ भजन के बाद भगवान की सुंदर आरती, तत्पश्चात भगवान का प्रसाद और फिर कल आना है। हर हर महादेव। कुल द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मिणी महारानी की। आइए थोड़ा विवाह हो गया लेकिन आप नसवाए नहीं गुरु, आपके स्वर में कुछ और जादू हो, विवाह में तो नाच गाना होता है हमारा, ये क्या होता है, जो नृत्य करना चाहे वो खड़े हो जाए थोड़ा सा। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, तेरे घर श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है।
उछावर भी चाहिए महाराज जी। हाँ आपको मिले अरे आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, ओ भगवान की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ भगवान की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज शादी है मुस्तावे उन्हें काढ़ा मिल जावे, रुक्मिणी यूं मुस्तावे उन्हें काढ़ा मिल जावे, मेरी थी यही तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, हो अरे भैया चित्रकूट धाम में बैठे हुए हैं, अरे आज मुझे लगता है कि चित्रकूट धाम में शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज द्वारका जी भगवान इतना सुंदर श्रृंगार किए हैं इनको नजर ना लगे। अरे मेरे बांके बिहारी ना, मेरे बांके बिहारी ना, कोई ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी मेरे बांके बिहारी ना, ओ मेरे बांके बिहारी ना, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। जय हो सुरतिया पे मन मोरा अटका,
सूरत दिया पे मन मोरा अटका, ध्यान लगे तेरा पीला पटका, ध्यान लगे तेरा पीला पटका, ध्यान लगे तेरा पीला पटका, तेरी सूरत दिया पे मन मेरा अटका, हो तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाह, टेढ़ी मेढ़ी चाह, तू इतना नखरियो सिंगार। अच्छा, जो ताली नहीं बजाएगा वो शिशुपाल की तरफ से है, हाँ ये जान लीजिएगा। हर तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाए प्यारे, नजर तो ही लग जाए प्यारे, नजर तो ही लग जाए मेरे बांके बिहारी लाल, ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना मुरलिया पे मन मोरा अटका, मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यार लगे तेरा नीला पटका, प्यार लगे तेरा नीला पटका, ओ तेरे भूखर भूखर बार, ओ तेरे भूखर भूखर बार, तो इतना ना करियो सिंगार, तो ही लग जाएगी प्यारे, तो ही लग जाएगी प्यारे, तो ही लग जाएगी प्यारे, तो ही लग बांके बिहारी लाल, हो बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। सरस्वती जी तान सुनावे रे, ओ दुर्गा मन के कृष्ण लिया है, सुखी के मन को भाव, देव नगर में फूल बरसाए, स्वारी नावे ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे रे, स्वारी नावे ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे रे। सरस्वती जी तान सुनावे, दुल्हा बन के कृष्ण लियावे, रुक्मिणी के मन को भावे, देव गगन में फूल बरसावे, द्वारिका में ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे रे, द्वारिका में ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे रे। सभी मैया लोगों को बधाई हो, द्वारकाधीश भगवान की। अरे बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, ओ तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। रे बधाई मैया तोरे अंगना, कृष्ण जी को ब्याह रचो है, आज द्वारिका भव्य सजो है, कृष्ण जी को ब्याह रचो है, आज द्वारिका भव्य सजो है, गोपी ग्वाल सब नाच संगना, गोपी ग्वाल सब नाच संगना। जो बैठे हैं कम से कम ताली तो बजाइए, जड़ा भाग जाएगा। अरे बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, माँ अन्नपूर्णा भैरो बाबा, माँ अन्नपूर्णा भैरो बाबा, रहन को बाकी बम 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 ब
हो रहा है काशी, हम हो रहा
इतना बढ़िया नूतन वर्ष हम लोगों को भगवान की आराधना के सिवा कहीं मिल सकता है क्या? और सुनिए, विश्वनाथ यहीं आके नृत्य कर रहे थे, भगवान के परम आराध्य, भगवान के हृदय स्वरूप भगवान विष्णु का विवाह हो रहा है। और विश्वनाथ न नाचे तो आनंद नहीं ना है, भगवान नटराज न नाचे तो आनंद नहीं है। इसलिए इस छवि को अपने हृदय में हम लोग बसावे। इस आंग नूतन वर्ष की अनेकों अनेकों बधाइयां हो आपके घर में, इसी प्रकार से ऐसा उत्साह मंगल हो, भगवान का चरण रज आपके हृदय में अवस्थित हो। ऐसी प्रार्थना से मैं अपने मुख्य यजमान द्वारिका भैया पूनम भाभी से निवेदन करूं कि अब आरती के क्रम को सजाया जाए। और तब तक दो बार भगवत नाम कीर्तन हमारे भैया करेंगे, पूनम भैया करेंगे, बजाओगे? हाँ, अपने बस हमारे भैया आनंद ले लें, इतना जो आए हैं हमारे रिंकू भैया, अब देव भैया हमारे यहाँ रहेंगे। आइए, जब तक आरती की तैयारी हो रही है, हम लोग सज्ज होकर कीर्तन का आनंद लें। भगवान का मंगलमय विवाह हुआ है रुक्मिणी जी के साथ, इसकी कथा हम लोगों ने बड़े प्रेम से श्रवण की है और उसकी फलश्रुति आपको मिल गई। फलश्रुति क्या है कि आपके घर में, आपके हृदय में आनंद का वास हो गया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखी हो, तो सब आनंद में है। और इस वर्ष में पहले दिन में कोई आनंद से विरहित नहीं है, सबको आनंद ही प्राप्त हो रहा है। आइए अब भगवान की सुंदर गान को हम श्रवण करें।